وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں رب ذوالجلال نے سارے جہاں والوں کے لیے بشیر مدیر بنا کر کے بھیجا. محترم حضرات, عصر کے بعد سے آپ اس پروگرام میں شریک ہیں اور اہل علم کے بیانات کو سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن, جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان اچھی اور سچی باتوں کو قبول کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں, میں چاہتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھنے کے تعلق سے ایک بات آپ سے ذکر کروں کہ مجلس میں بکھر کر کے نہیں بیٹھتے بلکہ ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے بیٹھتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی پھیل کر کے اور بکھر کر کے بیٹھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور یہ کہا کہ اس طریقے سے بیٹھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ, تمہارا اس طور پر
बिखर करके बैठ जाना ये शैतान की तरफ से है। बिखराव मुसलमान में नहीं होता, बिखराव शयातीन की तरफ से आता और शयातीन नुमा इंसान के अंदर अपने असरात दिखाता है। तो मुसलमान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और ये बिखराव तुम्हारे लिए नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। सहाबा फरमाते हैं उसके बाद जब भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते तो मिल मिल करके बैठते थे। थोड़ा आप लोग भी इधर आ जाए, मिल जाइए, पूरा गेप गेप भर दे, आ जाइए, उठ करके आ जाइए। साहब कराम क्या बताते हैं, आ जाओ पीछे से आगे की तरफ, वो फरमा रहे हैं कि उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद कि बिखरना शैतान की तरफ से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, हमारे अंदर बिखराव नहीं, हमारे अंदर इज्तिमाईयत आनी चाहिए, मिल मिल करके। और जब भी सहाबे कराम उसके बाद किसी मजलिस के अंदर बैठते थे, इन्दम्मा बादुहुम इला बाद, तो लोग एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके मिल मिल करके बैठते थे। और याद रखिए, अगर जिस्म इंसान का एक दूसरे से करीब आएगा तो ये दिलों को करीब करने का जरिया और सबब बनेगा, और अगर जिस्मानी एतबार से बिखराव रहेगा, कोई यहां है, कोई वहां है, कोई वहां है, कोई अपने घरों में बैठा हुआ है, कोई रोड पे खड़ा हुआ है, कोई नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, कोई दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, कि आवाज तो आ रही है ना कान में, माइक की आवाज तो हम सुन रहे हैं ना, ये हमारे लिए काफी है। ये बिखराव शयातीन की तरफ से है। मुसलमान की कान में आवाज पड़ती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अस्सलातु जामिया, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए अजान के कलिमात पढ़े जाते हैं, अस्सलातु जामिया नहीं कहा जाता, अस्सलातु जामिया, जहां तक ये आवाज पहुंचती थी सब जमा हो जाते थे। सहाबे किराम के कानों तक ये आवाज पहुंचती तो आवाज पहुंचने की देर होती थी, ऐसी बात कही गई है, कान से कोई आवाज टकराई है, बुलाया गया है हमको, सारे लोग भाग भाग करके मस्जिद की तरफ पहुंच जाते थे, इधर उधर नहीं खड़े होते। और हर एक की कोशिश ये होती थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होकर के बैठो, हर एक की ये कोशिश होती थी। जुमा के खुतबे के बारे में देखिए कितनी बड़ी फजीलत आई हुई है, कोई एक फजीलत बताए जुमा के खुतबे के ताल्लुक से, बड़ी फजीलत है जी। जुमा से पहले क्या करना, जबरदस्त, जो शख्स सबसे पहले आएगा, पहली घड़ी में आएगा, अस्सातुल उला, पहली घड़ी में जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद के अंदर आएगा, ऊंट ज़बह करने का जो अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ है वो अज्र उसको मिलेगा। कितना बड़ा सबब, मस्जिद में आया और पहली घड़ी के अंदर दाखिल हुआ। देखिए
जुमा के दिन हम किस घड़ी में आते हैं? अजान के लिए मुअज्जिन जैसे ही अल्लाहु अकबर कहता, इमाम मिंबर पर बैठ जाते, रिकॉर्ड करने वाले जो फरिश्ते हैं उनका सहीफा, उनका दफ्तर, उनकी कॉपी, उनका रजिस्टर बंद हो जाता, वो भी मजलिस के अंदर चले जाते हैं। यस्तमिउन ज़िक्र, जो बात अभी सुनने सुनाने के लिए लोग आए हुए हैं वो भी सुनने के लिए मजलिस के अंदर आ जाते हैं। कितने खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह की बात को सुनने के लिए, रब के पैगाम को जानने के लिए एक निहायत ही पाकीज़ा घर के अंदर, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं, उस घर के अंदर बड़ी नेक नियती के साथ कि हम सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपना दीन समझने के लिए जा रहे हैं, नहाए धोए, जिस्म में खुशबू लगाए, कपड़े अच्छे अच्छे साफ सुथरे पहने, कंघा किए और मस्जिद की तरफ चले गए। इतने अच्छे इरादे, इतनी अच्छी नीयतें, रब्बे करीम ने उस मजलिस के अंदर और उस जैसी और भी मजलिसों के अंदर अपने फरिश्तों को भेज दिया। दूसरी मजलिसों में जाएंगे तो वहां भी हाजिर होने वाले आएंगे, पर कौन होंगे वो, क्या नाम हो उनका, है? और भी किस्म की मजलिसें होती हैं जिसमें दीन सीखने के अलावा दुनिया सीखी जाती है, जिसमें दीन से दूरी की बातें की जाती हैं, शर्रो फसाद की चीजें उसके अंदर आती हैं, और भी मजलिसें होती हैं, उसमें कौन लोग हाजिर होते, कोई नहीं। शयातीन आते हैं उसमें, उसमें शयातीन हाजिर होते हैं अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोग मशवरा करने के लिए बैठे कि इनका मामला तो बढ़ता जा रहा है, कुछ करना चाहिए ताकि इनको अभी दबा दें और मामला बिगड़ने न पाए, हाथ से निकलने न पाए, तो उस मजलिस के अंदर, दारुल नदवा के अंदर शरीक होने वाले लोगों के साथ एक और भी शरीक हुआ था, क्या नाम था उसका, इबलीस, वो भी आया, वो भी मशवरे दे रहा है। लोग जो मशवरे दे रहे हैं अपने तजर्बे की रोशनी में, उन मशवरों में क्या कमी है वो कमी बता रहा है, ये कामयाब नहीं है, ये फायदेमंद नहीं है, इसमें ये कमी है, इस तरह की बातें वो अपने तजर्बे की रोशनी में लोगों को समझा रहा है। फिर अपनी तरफ से भी उसने मशवरा दिया, लोग उसको अपने ही जैसा एक इंसान समझते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में जिब्रील अमीन आते थे, आकर के पूछते हैं ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं, कयामत कब आएगी, आए किस लिए थे, दीन सिखाने के लिए, किस लिए आए थे फरिश्ते, किस लिए आए थे जिब्रील इस्लाम, किस लिए आए थे, लियुअल्लिमकुम दीन, ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा सके। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं इसी मजलिसों में, वो फरिश्ते जो नूरानी मखलूक है, वो फरिश्ते ला यासून अल्लाह
رب کریم کے حکم کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے, کبھی مخالفت نہیں کر سکتے. نافرمانی نام کی چیز جن کی زندگی میں ہے ہی نہیں. اللہ کے حکم کے آگے جو دوڑ لگاتے ہیں, ایسی مخلوق جو رب کریم کی برگزیدہ مخلوق ہے, اللہ انہیں ہم انسانوں کے بیچ میں بھیجتا ہے. ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے, لیکن یاد رکھو اگر ہمارا دل صاف ہے تو کیا ملے گا؟ اس کے ڈھیر سارے اچھے اثرات ہمارے دلوں میں آئیں, دلوں میں بیٹھ جائیں گے اس کے اچھے اثرات, دل کی دنیا پلٹ جائے گی. ہم مسجد میں گئے, بے چینی بہت تھی, پریشانی سے سر پھٹا جا رہا تھا, طرح طرح کے مسائل سے ہم گھرے ہوئے تھے, لیکن جب وہاں سے ہم پلٹے تو سکون کا عالم تھا. کہاں سے یہ سکون آیا؟ یہ اطمینان کی دولت ملی کہاں سے؟ یہ وہ جگہیں ہیں, یہ وہ مقامات ہیں, یہ وہ مجلسیں ہیں, یہ ذکر کے بیانات ہیں, یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہیں, یہ قرآن مجید کے اثرات ہیں, یہ اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے لوگوں کا رب کو راضی کرنے کے ارادے ہیں. اس ارادے سے آنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین دیتا ہے اور بھرپور دیتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہے ہیں, لیکن دلوں کے اندر وہ چیزیں اترتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی اس مجلس, اس طرح کی مجلسوں کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے اللہ کے کسی بھی گھر کے اندر, تو آسمان سے سکینت اللہ اتارتا ہے, رب اتارتا ہے سکینت, ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں جو صاف ستھرا دل لے کر کے ایسے مجلسوں کے اندر پہنچتے ہیں. رب سکینت نازل کرتا ہے, فرشتے جو رحمت لے کر کے پھرتے ہیں اس کائنات کے اندر وہ آ کر کے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ ملے اعلیٰ میں کرتا ہے. وہ فرشتوں کے بیچ میں جو اس کے پاس ہیں, برگزیدہ فرشتے, اللہ ان کا تذکرہ آسمان میں کرتا ہے, کیونکہ زمین میں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. زمین میں جو رب کا تذکرہ کرتا, آسمان میں ہمیں پیدا کرنے والا, ہمارا تذکرہ فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. معمولی بات نہیں ہے, یہ شرف کی بات ہے, یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو چن لیا, رب کریم نے توفیق دے دی, اور ہم رب کے دین کو سیکھنے کے ارادے سے کسی مجلس کے اندر پہنچتے ہیں, پورے ہوش و ہوش کے ساتھ میں بیٹھ کر سنتے ہیں, تو مجلس میں پہنچنے سے پہلے رب کی رحمت کی برکھا برسنے لگتی ہے. جمعہ کے حوالے سے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, ایک اور روایت کے اندر
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया। बहुत अजीम शान रिवायत जो हमने बारहा सुनी होगी लेकिन गौर करने के काबिल है, तवज्जो के काबिल है। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन गस्सल वग्तसल वबकर वबतकर, जो शख्स जुमा के दिन की तैयारी करता है, गुस्ल करता है और जो भी रब्बे करीम की तरफ से उसे अता हुई है पूरी तैयारी के साथ वो मस्जिद के लिए आता है। मस्जिद में आने के बाद बल्कि चल करके, वो मशा वलम यरकब, चल करके आता है सवारी से नहीं, और आता है तो इमाम के करीब बैठने की कोशिश करता है। वदना मिनल इमाम वस्तमा, इमाम से करीब आने की कोशिश करता है, आगे की सफों में पहुंचने की कोशिश करता है। ये नहीं कि कुर्सियां कहां लगी हुई हैं जल्दी से उस पर विराजमान हो जाए, ये नहीं देखता हो। क्या देखता हो, कहां से बैठना चाहिए, इमाम से करीब। इमाम से करीब कब हम होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में उसका जिक्र किया, वदना मिनल इमाम वस्तमा, इमाम से करीब आ गया और इमाम की बातों को खुतबे के दौरान गौर से सुना, आधा दिल मोबाइल में और आधा ध्यान इमाम के साथ। इसको इस्तेमा नहीं कहते। कौन सा काम छोड़ कर कर आए हैं, दिल लगा हुआ है और जल्दी से हम यहाँ से रुखसत हो गए, इस्तेमा नहीं होता। हर चीज़ से बेपरवाह होकर गेट से अंदर आने के बाद बाहर की चीज़ों को बाहर छोड़ दिए, अंदर की चीज़ों को हासिल करने के लिए पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ, पूरे कल्बो कालम के साथ, दिल और बदन, जाहिर और बातिन दोनों को हाजिर करके, अगर हम उस दिन इमाम से करीब आकर के बातों को सुनते हैं, क्या मिलता है, मिलता क्या है। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे, कभी तसव्वुर में भी नहीं आया होगा, कभी आपने इसे अपने जिंदगी के किसी भी पल में नहीं सोचा होगा। अगर इस पर गौर कर ले, अगर इस तरफ तवज्जो दे ले, तो जुमा का दिन वाकई आपका त्यौहार हो जाएगा, ईद का दिन हो जाएगा, खुशियां मनाते फिरेंगे। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कान लहू, कौन बताएंगे, मैंने थोड़ा सा बता दिया, बदले में क्या मिलेगा, अगर इतनी तैयारी से हम मस्जिद के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने गौर से बातों को सुना तो मिलेगा क्या, कौन बताएंगे। तालिब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाहों का कफारा हो जाए, बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन इससे भी बड़ा इनाम है, इससे भी बड़ा इनाम है। आपने सुना यही ना, बाज़ रिवायतों में जिक्र है कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक का इंसान से जो गुनाह हो जाता कफारा होगा, लेकिन इनाम इससे भी बड़ा है। हर कदम के बदले उसके एक गुनाह माफ किए जाएंगे और एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। जज़ाकअल्लाह। इन्होंने भी एक बात बताई कि
11 कदम के बदले अल्लाह एक दर्जा देगा, गुनाह को माफ करेगा, मकाम मर्तबा उसका बढ़ेगा, बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन इनाम इससे भी बड़ा है, ये आम दिनों की बात थी। ये जो इन्होंने जिक्र किया है, आप कभी भी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, रब्बे करीम की तरफ से याजर आपको मिलेगा, पर जुमा ऐसा नहीं है, जुमा के दिन और भी मिलेगा, इससे भी बड़ा इनाम है। अगर आपसे ये कहा जाए आप आइए मस्जिद में तशरीफ लाइए, नमाज के बाद आपको यहाँ क्या चीज़ चलती है, कब्सा मानी बनी खिलाया जाएगा, खाना क्या बोलते खाना, कब्सा यहाँ कौन सा खाना चलता है, अच्छा खाना मानी खावा, आपको खावा मिलेगा, क्या मिलेगा सारे लोगों को। अभी देखा कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को चाय मिल गई, बाकी बेचारे जो नीचे बैठे हुए हैं उनको किसी ने चाय नहीं पूछा, कितना अच्छा होता कि सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी चाय मिल जाती, बिस्किट मिल जाती, नमकीन कोई कोई ना कोई चीज़ मिल जाती, अच्छा होता। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई सारे लोगों को खावा खिलाइए, आइए आधे घंटे का एक घंटे का प्रोग्राम है, और प्रोग्राम ख़त्म होते ही बेहतरीन खावा मिलेगा, और जब आप निकलने लगेंगे तो आपका जेब भी गर्म किया जाएगा। जब आप मस्जिद से निकलने लगेंगे तो क्या करेंगे, जेब भी गर्म किया जाएगा, भाई कितना 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 अच्छा कितना मुनासिब रहेगा, आप बताइए कितना दिन मुनासिब रहेगा, कुछ बताइए कितना जेब खर्च दें तो अच्छा रहेगा, कुछ तो बोलिए। हाँ नहीं नहीं उसके ऊपर भी मैं बता रहा हूँ, खाना भी रहेगा और प्लस जेब में भी कुछ डाला जाएगा, ये जेब में कितना डाला जाए तो आपको अच्छा लगेगा वो मैं पूछ रहा हूँ, ताकि एक दो घंटा आप बिल्कुल जमा करके बैठे इस मजलिस के अंदर। कितना दिया जाए, 500 और कितना 1000 हैं जी, अच्छा ये बगैर शादी शुदा वाले बाकी लोग जो बीवी बच्चे वाले हैं, घर वाले हैं, जिनके अखराज ज़्यादा हैं, वो और बढ़ करके भी कह सकते हैं। जी बोलिए आप लोग, कितना जेब के अंदर कितना जाए तो आपको मजलिस में आते हुए अच्छा लगेगा, बोलिए 500 1000 तक ऑफर आ चुका है, उसके आगे आप बोलिए, आप सबसे पीछे हैं, नहीं होता है सीधे कहिए 5000, सही है ना, देखिए ये राजी हो गए, 5000 के लिए राजी हो गए। अगर अभी उस फजीलत की तरफ नहीं आ रहा हूँ, अभी उससे कम दर्जे की, अगर आप में से, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप में से हर शख्स कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़े या उसे सीखे, सही मुस्लिम की रिवायत, कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़े या एक आयत करीमा सीखे, पढ़ना आता है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना आता है तो सीख ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन लहु मिन नाकतैन व सलासुन खैरुन लहु मिन सलास व अरबउन खैरुन लहु मिन अरबा ومن اعدادهن من الابل, हर आयत के सीखने या हर आयत के पढ़ने पर अल्लाह एक ऊंट आपको देगा,
कितना कुछ खा लीजिए और कुछ रख लीजिए, हर आयत के बदले में कितने ऊंट, एक ऊंट, बल्कि उससे भी बढ़कर के, उससे भी अच्छा देगा अल्लाह। सहाबा से बुला करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, अफला यब्दु अहदुकुम इला अलअकीक अव इल्तहा, सुबह सुबह आप में से कोई शख्स जाए फला जगह जाए, आपका ये जो झाड़ी है इस झाड़ियों में जाए और जाए और कितनी बकरियां नहीं कितने ऊंट हैं सब रेवड़ बना करके लेकर के घर पे आ जाए, क्योंकि आज आपने 20 आयतें सुनी हैं तो 20 ऊंट आपको मिलेगा। कितनी आयतें? 20 ऊंट। आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम होगा एक ऊंट कितने का बिकता है, एक ऊंट की क्या कीमत है, यहां तो ऊंट है 30,000, आप 5,000 तक पहुंचे थे, 30,000 उसकी कीमत है, एक ऊंट की कीमत 30,000 रुपए है, यानी कैश आपके जेब में 30,000, अगर एक आयत आपने पढ़ लिया, एक आयत आपने सीख लिया, आपको कैश नकद जेब में 30,000 रुपए आ गए, और 5 आयत आपने पढ़ लिया तो कितने, 1.5 लाख, 10 आयत पढ़ लिए तो कितने ने? कितने रुपए, 3 लाख रुपए, और 20 की बात आई थी कि एक मजलिस में आपने 20 आयतें पढ़ ली, कितने लाख रुपए हो गए, 6 लाख जेल में लेकर के जाइए आज, एक मजलिस के अंदर 6-6 लाख रुपए देने के लिए हमारा रब तैयार है, कौन है उसको समेटने वाला, नहीं चाहिए, उसी के लिए तो भागे भागे मारे मारे चारों तरफ फिर रहे हैं, रोजी रोटी का मसला है, हम कब तक आके बैठे रहेंगे यहां। रब्बे करीम ने कहा आओ हम तुम्हें देंगे, छप्पर फाड़ करके देंगे, एक एक मजलिस में इतना देंगे कि आप उसको संभाल नहीं सकते, इतना देंगे कि उसे आप गिन नहीं सकते। रमजान का वक्त आता है तो हम पूरा पूरा एक एक सफा पढ़ जाते हैं एक दिन में, ऐसा नहीं है पूरा एक सफा नहीं पढ़ जाते हैं, कुछ लोग तो एक एक पारा पढ़ लेते हैं, कितनी आयतें रहती हैं उसमें, आप सोचिए कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा इनाम और इकराम अता कर रहा है तो ये सुस्ती क्यों, ये काहली क्यों, मान नहीं रहे रब की बात को, यकीन नहीं है आपको, मोमिन है ना आप, मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, मानने वाले हैं रब की बातों पर, यकीन करने वाले हैं, तो इसे क्यों नहीं मानते कि रब ने वादा किया है तो देगा कि नहीं देगा, जोर से बोलिए देगा कि नहीं देगा, धोखा नहीं देता हमारा रब। वमन अहसनु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची बात करने वाला कोई, जो कहता है वो करता है, उसके यहां धोखाधड़ी नहीं है, रब के यहां वो चीजें हैं जिसको हम सच्चाई कहते हैं, वादा वफा कहते हैं, अल्लाह सब कुछ देगा, जितना वादा कर रहा है उससे बढ़ करके देगा, मानते हैं इसको, मानते हैं कि ये भी नहीं मानते, देगा। फिर करीब आइए, फिर मजालिस में करीब आइए, कहेंगे अभी हमारे जेब में नहीं आएगा, बाद में आएगा, अभी तो नहीं आ रहा, यही तो नाम है मुसलमान का, कि मुसलमान कौम अपने नबी की बात को, अपने रसूल की बात को, अपने कुरान की बात को, रब्बे करीम की बात को
वो इतना मानती है और इतना आंख बंद करके उस पर यकीन करती है कि दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया के साजो सामान एक तरफ हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोगर्दानी का मामला आ जाए तो ये कबूल नहीं है। साद इब्ने अबी वक्कास का नाम रज़ी अल्लाहु ईमान ले आए, नबी पर ईमान ले। लाइट जला दीजिए, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। लाइट इस्लाम ले आए, कौन नाम बताइए, जरा जोर से बोलिए, नाम क्या है? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी मां को जब पता चला कि बेटा तो मुसलमान हो गया, उनके उनकी समझ के एतबार से बददीन हो गया, माँ ने जिद किया, बेटा पलट आओ, अपने दीन की तरफ वापस आ जाओ। और जब माँ ने देखा कि बेटा उनकी नहीं सुन रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, बेटा उनकी सुन ही नहीं रहा, उनकी मान ही नहीं रहा, हालांकि साद बिन अबी वक्कास का मामला ये था कि वो माँ के बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार थे, बहुत मानने वाले थे अपनी माँ को, और हर सच्चा इंसान अपने माँ बाप से दिल और जहान के एतबार से वो मोहब्बत करता है, चाहता है। जिसका भी दिल साफ सुथरा होगा वो अपने वालदेन से सच्ची मोहब्बत करता है और बेलौस मोहब्बत करता है। साद बिन अबी वक्कास का मामला बहुत अजीम था, बहुत प्यार करते थे अपनी माँ से, लेकिन जब उन्होंने पलटने के लिए कहा कि हमारे इस दीन की तरफ वापस आ जाओ तो उनकी सुनी अनसुनी कर दिया, नहीं माने, तो माँ ने क्या कर दिया, खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल, भूख क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूख हड़ताल किया, सोच के बताइए, क्या आपके सहाबा ने कभी भूख हड़ताल किया, किसकी सुन्नत है ये जरा देख लीजिए। इस तरह के हड़ताल करना ये किसकी सुन्नत है, खुद सोचिए। लोग बहुत सारा हड़ताल करते हैं। उनकी माँ ने जो कि अभी मुसलमान नहीं हुई थी खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन गुजर गया और इनके सामने बात आती रही, आखिरकार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अम्मी अगर रब्बे करीम हमें आप जैसी 100 माएँ दे दे, 100 माँ, और हर माँ दम तोड़ दे, यानी ये एहतजाज, ये भूख हड़ताल करते करते उनकी जान निकल जाए, एक की जान निकल गई, दो की जान निकल गई, तीन की जान निकल गई, चार की जान निकल गई, सारी माएँ अपनी जानें इसके भूख के हवाले कर दें और सब मरती चली जाएं और ये कहें कि मैं अपने दीन से वापस आ जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला, मैं वापस होने वाला नहीं हूँ। जब ये बात माने सुनी अपनी कान से तो उसने खाना खा लिया। कौन अपने रास्ते पर पुख्ता है, आया मुसलमान या नॉन मुसलमान,
कौन है पुख्ता? कौन पुख्ता है? मुसलमान। पूरी कायनात के लोग मिलकर के अगर सब कुछ देना चाहें, सब कुछ हवाले करना चाहें कि अपना दीन छोड़ दो, तो कायनात की ये सारी चीजें मुबारक हो। कुछ देर पहले तक जो लोग फितना बने हुए थे और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ मैदान में उतरे हुए थे, जिन्होंने अपनी जादूगरी के जरिए से लोगों की दिमागों और लोगों की आंखों से खेल खेला हुआ था, और उनकी छड़ियां और रस्सियां सांप बन करके दौड़ रही थी, فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى عليه الصلاة والسلام کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ موسى علیہ السلام ڈر گئے، موسى علیہ الصلاة والسلام خوف زدہ ہو گئے، ان سانپوں کو رینگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا صورتحال کچھ عجب سی ہو گئی۔ رب کریم نے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میدان تمہارے ہاتھ، آگے بڑھو، ہمت سے کام لو، حوصلے سے کام لو، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُخْلِفُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ یہ تو جادوگر ہیں، ان کی جادوگری رب کریم کے آیات بینات کے آگے کب تک ٹھہرے گی؟ جہاں رب کا پیغام آ جائے ساری جادوگریاں ایک طرف سے ٹمٹماتی ہوئی بجھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا، تو وہ لوگ جو جادوگر لوگ تھے، ان لوگوں نے جو سب سے قابل قسم کے لوگ تھے، اس سماج کے مصر کے رہنے والے لوگوں میں جو لائق فائق قسم کے جادوگر تھے، جب انہوں نے ان کے اژدہے کو دیکھا کہ سب کو نکل گیا، تو وہ ایمان لے آئے، کہا یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا، انسانی کاموں کی مہارت رکھنے والے ہم بھی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس کتنی طاقت اور قوت ہے، کتنا جادو دکھا سکتا ہے، یہ انسانی عمل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان لوگوں کو للکارا، دھمکی دیا اور کہا کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کتنی جرات آ گئی ان کے، کتنی قوت پیدا ہو گئی۔ وہ جو جادوگر تھے ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ جادوگر تھے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے سے کوسوں دور تھے، لیکن ایمان جو دلوں کے اندر داخل ہوا، اس نے کیا قوت بخش دی ان کے اندر۔ ان لوگوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے کر لو، تم تو صرف میری دنیاوی زندگی تباہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی پاور تمہارے اندر نہیں ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یہ قوت ہے، یہ قوت ایمان ہے جو پیروں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ مسلمان قوم اپنے ایمان کے بقدر رب سے محبت کرنے والی قوم ہے، مسلمان قوم اپنے ایمان کے بقدر رب سے ڈرنے والی قوم ہے، مسلمان قوم رب کریم سے محبت اور ایمان کے بقدر وہ اللہ سے امید اور لو لگانے والی قوم ہے۔ وہ غیروں کے آگے نہیں جھکتی، وہ غیروں کے
के आगे हाथ नहीं बढ़ाती। ये वो कौम है जो सच्ची कौम है, दुनिया की चीजों पे वो फरेख्ता नहीं करती। ईमान उसका बोलता है कि रब का कहना सच है। ये भी आखिरी इनाम नहीं था जो अभी मैंने जिक्र किया। किस इनाम की बात अभी मैंने की है कि आपको जिस इनाम का वादा किया गया है, एक इनाम का मैंने तज़किरा किया है, याद आया जिस इनाम का भी मैंने तज़किरा किया, एक आयत पढ़ने वाले एक आयत सीखने वाले शख्स को रब्बे करीम क्या देता, एक ऊँटनी से भी अफजल इनाम देता है। लेकिन यही मुकम्मल इनाम नहीं है, ईमान इस इनाम इससे भी बड़ा है। अभी आप लाखों के मालिक बन करके निकलने वाले हैं, औरों को भी शरीक करना, घर में जाना तो उनको बताना कि मैं बहुत बड़ी मिल्कियत लेकर के आया हूँ, मैं लाखा लाख रुपए, हाँ आप बच्चे भी जेब गर्म करके यहाँ से जाए, लाखा लाख लेकर के हम आ रहे हैं, और आप भी सीखो, घर में जाइए और उनको सिखाइए, खुद भी सीखिए उनको भी सिखाइए कि आप भी लाखा लाख के मालिक बन सकती हैं। अपनी माओं से आप कहें, अपनी बहनों से कहें, अपनी बेटियों से कहें, आप भी मालिक हो सकती हैं। आप भी सीखो, अपने घर के अंदर पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, ईमान की कुव्वत जागेगी, यकीन बढ़ेगा, रब्बे करीम की तरफ से इनाम की बारिश बरसेगी। इनाम चाहिए नहीं चाहिए? इनाम चाहिए। कौन देगा इनाम? अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला। मुसलमान को यकीन है भरपूर कि इनाम मिलना है। सोचिए आप जैसे कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए, कितना बड़ा कर्म है उस रब का, कितना बड़ा इनाम है उस रब का कि आपको सेहतमंद बना दिया। कितने लोग हैं कि उनके पास हाथ ही नहीं है और आप अपने हाथ से खाते और पीते हैं। इनाम है रब के, अपने पैरों से चलने से मजबूर है। जाइए हॉस्पिटलों में देखिए, खुद अपने सामने अपने पैरों को कटवा रहे हैं। इनाम है। हर खाना नहीं खा सकते, डॉक्टर ने जिन जिन चीजों से मना कर दिया है, अगर खाएंगे तो उनके लिए हलाकत का पैगाम होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इनाम है आपके ऊपर, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, रब का शुक्र अदा करें। सुने अपने रब की बातों को, समझने की कोशिश करें अपने रब को। आंखें अगर बंद हो गई तो सारी कहानी खत्म हो गई, सारी दुनिया खत्म हो गई। आप जाएंगे और कौन आपके साथ जाएगा? आप अमाल जाएंगे। हसन, ये जो नमाज आपने पढ़ी है ये नमाज आपके साथ जाएगा। आपने ये जो पैगाम सुना है खैर का, दिलों को पाक करने वाला पैगाम, ये पैगाम आपके साथ जाएगा। आप जो भी अच्छा और भला काम इस दुनिया के अंदर रहते हुए आप कर रहे हैं, ये आपके साथ जाएगा। सारे लोग वापस आ जाएंगे कब्र के पास से, पर ये रहेगा आपके साथ। हर कोई वापस आने वाला है सिवाय आपके इन अमाल के। वो कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, क़यामत के रोज़ हर हर शख्स अकेला रब्बे करीम के पास हाजिर होगा, कोई नहीं होगा उसके साथ, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, भाई लोग भी नहीं, बहनें भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, कोई किसी को न जानेगा न पहचानेगा,
न पूछेगा न उनका साथ देगा, अकेले जाना होगा रब के हुजूर, हर एक को बैठना होगा, पूरी जिंदगी सामने रखी होगी और रब्बे करीम एक एक चीज हमारे सामने रखेगा और हमें जवाब देना होगा। आप बीड़ी पीते थे, कितनी लंबी गुफ्तगू आपने माशाल्लाह नशे आवर चीज़ों से मुतालिक आपने सुनी शेख मोहतरम की कच्ची ज़ुबान में, पता नहीं कौन सी ज़ुबान में, और आप मुस्तफ़ीद हुए। इसके बाद भी अगर आपने नहीं छोड़ा इन नशे वाली चीज़ों को, अगर आपने नहीं छोड़ा, कब्र छोड़ा देगी नहीं छोड़ाएगी, कब्र छोड़ाएगी कि नहीं छोड़ाएगी, वहाँ भी पियेंगे हैं, कैसे वहाँ आपका दिन गुजरेगा, यहाँ तो आपसे नहीं होता, कहते सबर नहीं होता, जिस्म के अंदर आग लग जाती है, बेचैनी छा जाती है और सबर नहीं हो पाता, वहाँ कैसे सबर आएगा, या आप यहीं रहने वाले हैं, अंदर नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, कितना ढेर लेकर के जाएंगे अपने साथ, किन किन नशेली चीज़ों को ले जाएंगे। मुसलमान नशेली कौम नहीं है, अकलमंद कौम है, मुसलमान नशे आवर चीज़ों से दूर रहने वाली कौम है, ये ऐसी कौम है जो अपने रब के हुक्म पर कुर्बान हो जाने वाली है। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, क्या बचा, क्या चीज बची। रब ने सिखाया है हमको कि हम अपने दिल से हर रोज ये बात कहते रहें, जरा कह के बताइए एक बार, ये होगी कुरान की आयत, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका तर्जमा अपने दिल से पढ़ करके बताइए कि कहिए बेशक मेरी नमाज, मेरा मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह जो कभी सोता नहीं, जिसको कभी ओंघ आती नहीं, पल जिसका नहीं गिरता, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, जो अलीम व कदीर है, कायनात की जर्रा जर्रा सारी चीजों का जिसका पल पल का इल्म है, उस रब के लिए हमारी ये पूरी जिंदगी है, अल्लाह कबूल कर ले। बड़े बड़े आए और अपना वक्त बिता करके उसी मिट्टी के अंदर गए, आप कितने बड़े हो जाएं, लेकिन एक वक्त आपके ऊपर ऐसा आने वाला है कि आंखें बंद होगी और उसी कब्र के अंदर आप जाएंगे, डर नहीं लगता, लोग डरते थे, जो नेकियां करने वाले थे वो डरते थे, वहुम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफिकून, कि वो अपने रब के डर से कांप रहे थे, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, ये वो लोग हैं जो रब के रास्ते में दे रहे हैं, जो कुछ खर्च कर रहे हैं रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं, पर दिल धक धक हो रहा है, दिल में खौफ है, कांप रहे हैं, रब करीम नकल कर रहा है उनके दिल की हालत को, उनके दिल की हालत की खबर हमको दे रहा है, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, कि उनके दिल डर से कांप रहे हैं कि उन्हें एक दिन अपने रब के पास जाना है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो,
हम गुनाह करके भी नहीं डरते, मस्जिद के गेट के बाहर नहीं निकलते कि बीड़ियां चालू हो जाती, डर नहीं लगता कि रब्बे करीम आसमान से अगर कोई गाज हमारे ऊपर नाजिल कर दिया तो, खौफ नहीं आता, डर नहीं पैदा होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अगर आज नहीं पैदा होगा तो भाइयों ये बताओ कब होगा। रब को पहचानोगे तो डरोगे, रब्बे करीम को जानेंगे तो डरेंगे, और जो आज डरा वो कल डर से महफूज हो जाएगा, और जो आज नहीं रब्बे करीम से डरा वो दुनिया में हर चीज से डरेगा, और मरने के बाद उसकी जिंदगी डर और खौफ ही की नजर हो जाएगी। भाइयों 7:30 बज गए और मैं इसी पर खत्म करता हूं। मैं कुछ मौजू लेके आया था, उस मौजू पे कुछ गुफ्तगू करनी है, पर यहां की सूरत हाल देखने के बाद मैंने मौजू को चेंज कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अच्छे भले काम करने की तौफीक अनायत फरमाए, खैर के काम करने की तौफीक अनायत फरमाए, हमें ईमान पर कायम और दायम रखे, हमें सच्चा मोमिन बंदा बनने की तौफीक अनायत फरमाए। वह आखिर अलहमदिल्ला बड़ा इनाम बाकी है और अभी इफ्तारी करना भी बाकी है। जो बड़ा इनाम था वो सलाम फेरने के बाद मैं फ़ौरन बता दूँगा इंशाल्लाह। अजान का टाइम हो गया ना, बाकी है, बाकी है, बाकी है, हाँ बड़ा इनाम सुन लीजिए। बड़ा इनाम तो रह गया उस दिन का, जो सबसे बड़ा इनाम है किस दिन का, जुमा के दिन का, जो इन सारी चीज़ों के साथ आएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम उनके लिए। उसी हदीस के आखिर में है, काना लहू बिकुल खुतवतिन यख्तूहा अज्रु सनतिन सियामिहा व क़ियामिहा, हसन दर्जे की रिवायत है। काना लहू बिकुल खुतवतिन यख्तूहा अज्रु सनतिन सियामिहा व क़ियामिहा, हर कदम जो चल करके आदमी मस्जिद के लिए आया हुआ है, हर कदम के बदले अल्लाह उसे दिन और रात की पूरी पूरी इबादतों का मुकम्मल अजर देगा। हर कदम के बदले में एक साल की इबादत, दिन में सियाम और रात में, रात क़याम की हालत में गुजारने वाले को क्या मिलता है, रब्बे करीम वो अजर देगा। दिन रोजे के साथ गुजारने वाले को रब्बे करीम क्या देता है, वो अजर उसको मिलेगा। किस चीज़ के बदले में, हर कदम जो चल करके आदमी आता है, ये है आदमी के, ये है एक कदम, ये एक कदम, हर दो पैर आगे पीछे करते हुए जो हिस्सा है ये एक कदम है। एक कदम के बदले में अल्लाह उसे क्या देगा, बोलिए, वो देगा, यकीन रखिए वो देगा। क्या देगा, एक साल की इबादत का अजर देगा, हर कदम के बदले में एक साल की मुकम्मल इबादत, मुकम्मल बिला नागा, दिन पूरे सियाम के साथ, रात पूरी क़याम के साथ करने का जो अजर अल्लाह ने रखा हुआ है, वो अजर एक कदम के बदले देगा। आपके घर से मस्जिद का फासला अगर 50 कदम है तो कितने साल का, 50 साल का अजर देगा। अगर 100 कदम है आपके घर से मस्जिद का फासला, कितने साल का अजर देगा, 100 साल इबादत करने का, 100 साल गुनाह के बगैर, 100 साल मुकम्मल इबादत में जिस शख्स ने गुजारा हो, वो रब्बे करीम उस शख्स को इबादत का अजर देगा। अगर 100 कदम है, अगर 500 कदम चल करके आया है मस्जिद में, इतनी लंबी उम्र जिंदगी में किसको मिली हुई है, आज के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में किसी को नहीं। 500 कदम चल के आया है, 500 साल के सियामो क़याम का अजर रब्बे करीम उस शख्स को अता फरमाएगा। अल्लाह बोलिए, अल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सोच भी नहीं सकते,
सोच भी नहीं सकते। सिर्फ चलकर आने का ये अजर है, खुतबा सुनने का अजर नहीं है। ये मस्जिद तक पहुंचने का अजर है। अगर आप मस्जिद तक पहुंचे हैं तो रब्बे करीम की तरफ से ये अजीम शान अजर, जिसको न कानों ने सुना होगा न दिलों ने सोचा होगा, रब्बे करीम देने के लिए वादा कर रहा है। बोलो वादा कबूल है? कबूल है। मस्जिद में जल्दी आएंगे, रब की इबादत और बंदगी के लिए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस जुबान को कबूल फरमाए, आपकी इस जुबान के अंदर बरकत अता फरमाए, हमें नेकियां करने की तौफीक बख्शे, अच्छे भले काम करने की तौफीक बख्शे, अपने लिए औरों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले ले, मरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ भी खैर करने की हमें तौफीक बख्श दे। آمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.